अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दो रेसिपीज़। एक है रोट मुहर्रम के लिए और दूसरा हम बनाने जा रहे हैं शेकन। तो दो रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी आज। ये देखिए, मैंने एक पौन लीटर से थोड़ा ज़्यादा, ये तकरीबन एक लीटर इतना दही जो घर में मैंने जमाया हुआ था, वो मैंने इस तरह से कपड़े में लटका दिया है। इसका पानी निकाल लिया तकरीबन, अभी और थोड़ा निकलेगा ये। उसके बाद हम इससे श्रीखंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत थोड़े से, मैं बस पिसते नहीं थे, सिर्फ मैंने बादाम भीगने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर हम रोट की तैयारी कर रहे हैं। श्रीखंड के लिए मैंने देखिए एक कप शक्कर को बारीक पीस कर रख लिया है इसमें। इसके साथ मैंने 8-10 इलायचियाँ डाल दी थी, ठीक है, ये श्रीखंड में जाएगा। उसके बाद मैंने एक गिलास पानी उबाल लिया है और यहाँ पर हम रोट की तैयारी करेंगे। रोट के लिए मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ली हूँ और मैंने 1.5 कप रवा लिया है, 1 कप आटा लिया है गेहूं का घर का, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और ये 1/4 किलो मैंने गुड़ लिया है। घी हम हसब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 चम्मच लगेगा घी हमको, फिर फ्राई करने के लिए लगेगा। और ये मैंने एक बड़ा नारियल का पीस लेकर उसको मोटा मोटा काट लिया है। इसको मैं पहले थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मिक्सर में हम उसको बारीक करेंगे। क्योंकि क्या हो गया है, मैं फ्रिज में रखती हूँ ना नारियल, तो ये थोड़े से नरम हो गए। ये सूखा नारियल है, कच्चा नारियल नहीं है। फ्रीजर में रखने की वजह से ये थोड़ा सा नरम हो गए, इसलिए पहले हम इसको खुश्क करेंगे और उसके बाद पीसेंगे, ताकि हमारे रोट एकदम नरम ना हो जाए आटा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पानी गर्म किया हुआ है, ये पानी हम लोग गुड़ में डाल देते हैं, ताकि गुड़ हमारा पिघलता रहे। आप अगर शक्कर से बनाना चाहें तो गुड़ की बजाय आप 1 से 1.5 कप जो है शक्कर लेकर उसको भी आप पाउडर कर लें, और पाउडर शक्कर डालकर भी आप बना सकते हैं। लेकिन गुड़ का जो मज़ा है, असल मज़ा रोट का, वो गुड़ में ही है। मेरे पास चूंकि खड़ी ये नहीं है, खसखस नहीं है रोट पे लगाने के लिए, तो मैं देखती हूँ अगर तिल मिल जाती है तो मैं फिर तिल ले लूँगी, ठीक है। हमने सबसे पहले ये गुड़ को पिघलने के लिए रख दिया गर्म पानी में। इसको बीच में हम चम्मच से चलाते रहेंगे, इस तरह से क्या होगा, ये गुड़ इस पानी में अच्छी तरह से हल हो गया हो जाएगा। और हम इसी पानी में आटा गूंदेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमने कढ़ाई रखी थी, इसको हम अच्छे से सुखा लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें अपना आटा गूंदना है, आटा गूंदना है हमको, सॉरी। ये देखिए हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें सब में पहले डालेंगे आटा और आटे को अच्छे से भून लेंगे। हमको बहुत ही धीमी आंच पर आटे को भूनना है, ताकि जले नहीं, बिल्कुल ही धीमी आंच पर आराम से 3 से 4 मिनट तक हमको भूनना है, जब तक कि खुशबू ना आने लगे। जब आटा भुन जाएगा तो मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। खुशबू अभी नहीं आ रही है, लेकिन आटे ने अपना रंग देखिए चेंज करना शुरू कर दिया है, हल्का हल्का गुलाबी की तरफ रंग होता जा रहा है। हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि बिल्कुल नीचे लगे नहीं। ज़्यादातर आप लोग इस काम के लिए नॉनस्टिक पैन्स का ही इस्तेमाल करें, ताकि आटा ख़राब ना हो। किसी को 3 मिनट लग सकते हैं अभी, किसी को 4 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से आटे में भी थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो बिल्कुल आराम से, ध्यान से, नीचे लगे नहीं, इस हिसाब से हमको पहले पैन को पूरा गर्म कर लेना है और उसके बाद आग को कम कर देना है, उसके बाद हमको आटा डालकर भूनना है। इस तरह से आटा जल्दी भुने भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। अगर हम फुल आग पर भुनने की कोशिश करेंगे तो आटा जल्दी से जल जाएगा। और आज की इसकी खास बात ये है कि हम तवे में रोट बनाने लगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। मेरी बहुत सालों से ख्वाहिश थी, तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने ये तवा ली हूँ और हर साल कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं मुहर्रम यानी बकरीद से पहले ही मेरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और मुहर्रम तक वो चलती ही रहती है। इस साल भी वही मसले मसाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हर साल हम मसले ही लेकर बैठ जाएंगे तो कभी कुछ बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, हमारा ट्रेडिशन ही भूल गए हैं बच्चे। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार बना लेते हैं।
हमारी नानी माँ तो इस तरह से बहुत सारा आटा बनाती थी, जैसे गुड़ वाले रोट 4 किलो और शक्कर वाले रोट 4 किलो, और घर में अलग से 2 किलो का आटा वो गूंथती थी। और इस तरह के मिट्टी के तवे, ये हैंडल वाले तो नहीं लेकिन कुमार के पास से वो लाते थे मिट्टी के तवे, और उस पर वो घर में 2 किलो रोट खुद बनाती थी गुड़ के ही। और जो 4 किलो जो 4-4 किलो जो बनाती थी वो बेकरी में देती थी, खुद आटा पूरा गून के तैयार करके उनके पास ले जाती थी बेकरी में, और उनके जो ट्रे होते हैं वो देने के, और उस वहाँ पर बैठकर हमारी नानी माँ हाथ से पूरे रोड बनाकर उनको देती थी, और वो सेक सेक कर हमको देते थे, और हमको इतना दिन भर वहाँ बैठने में मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी उन बातों के कहते। आजकल उस तरह की मोहब्बत है ना, खुलूस है रिश्तों में, हम दिन भर नानी माँ के साथ वहाँ बैठे रहते थे कि आज हमारे रोड बन रहे हैं, और बड़े बड़े डब्बे उठाकर हम घर पे आते थे, और बड़े बड़े डब्बे लेकर हम लोग घर पे आते थे, और फिर हमारे दोस्तों में रिश्तेदारों में सबके हिस्से हमारे नानी माँ सब भाई के इधर, बहन के इधर, बेटों के इधर, सबके यहाँ हिस्से जाते थे। मेरे बड़े मामू के जो पहले दुकान से पहले वो जिसके यहाँ काम करते थे उनके यहाँ सब इधर हमारे नानी माँ का हिस्सा जाता था। उनको बहुत शौक था पकाने का और बांटने का, आजकल औरतों को घर में बनाने को भी जान पाता है। हमारे नानी माँ को ऐसा मतलब कोई ईद कोई किसी की बरसी कुछ चीज़ वो नहीं छोड़ते थे, बराबर से बहुत सारा खाना बना के लोगों को खिलाते थे। वो बोलते थे जब तक घर में बाहर दूसरे लोगों के लिए खाना नहीं बनता तब तक घर में बरकत नहीं आती, ऐसे बोलते थे। वो बहुत खाना खिलाने के शौकीन थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ये देखिए हमारे आटे का रंग बहुत ही अच्छे से लाल हो गया है, बात करते करते 2-3 मिनट हो गए हैं, और हमारा आटा, ये गेहूं का आटा है घर का, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं लेकिन जो मज़ा गेहूं के आटे में आता है ना वो मैदे में नहीं आएगा आपको, इसलिए आप गेहूं का आटा ज़रूर डालें इसमें। अगर आपको आटे के रोट बनाने हैं तो आटे का जो मकदार है वो ज़्यादा कर दीजिए और रवे की कम। मुझे रवे के बनाने से मैंने आटा 1 कप लिया है और रवा 1.5 कप। अगर आपको आटे के बनाने हैं तो आटा 1.5 कप लीजिए और रवा 1 कप लीजिए। ये देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आटा भुन गया है, मैंने आटा निकाल लिया है, अब इसी गर्म पैन में हम रवा डालकर रवा भून लेते हैं। रवे को भी हमने 3 से 4 मिनट तक भूनना है, और जब थोड़ा सा खुशबू आने लगे, थोड़ा सा रंग चेंज होने लगेगा तो हम इसमें 1 चम्मच दही घी भी डाल देंगे। मेरे पास खसखस नहीं थी तो मैंने थोड़ी सी तिल ले ली है रोट को ऊपर से गार्निशिंग के लिए, अच्छी लगती है। और ये मैंने 10-12 इलायचियाँ ले लिए हैं, इलायचियाँ मैं क्या करूँगी, अगर आप शक्कर के रोट बनाते हैं तो शक्कर में पीस सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं गुड़ के रोट बना रही हूँ, और गुड़ मैंने देखिए पिघलने के लिए रखा था, कितना अच्छे तरीके से पिघल गया है, तो चूँकि मैं गुड़ के रोट बना रही हूँ इसलिए मैं क्या करूँगी, ये जब ये खोपरा मैं भूनूंगी ना और उसको पीसने के लिए मिक्सर में लगाऊंगी तब मैं उसके साथ ये इलायची पीस लूंगी ताकि खोपरे में उसका फ्लेवर आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए हमारा रवा भी भून रहा है कम पर, बहुत ही कम आंच पर हमारा रवा हमने भूनने के लिए रखा है। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ी सी रंगत तब्दील हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच इतना घी डाल दूंगी, तो इससे कैसे रवा अच्छे से भी भुना जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी रवे की। देखिए रवे को भूनते भूनते 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से रवा भुन गया है, थोड़ा थोड़ा खुशबू भी आने लगी है और रंगत भी चेंज हो रही है, तो मैं इसमें पूरा 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून भर के घी डालूंगी। बहुत ज़्यादा भी घी हमने नहीं डालना है क्योंकि हमको रोट का आटा भी गूंदना है, तो आटा अच्छे से गूंदा जाए इसलिए हमको ज़्यादा भी घी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने तो आटे में इस्तेमाल नहीं किए घी का, सिर्फ हम रवे में कर रहे हैं। अगर आप आटे में भी करेंगे और रवे में भी करेंगे तो थोड़ी थोड़ी मकदार को कम कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मकदार में भी घी डालने से फिर रोट फूटने लगेंगे। ये देखिए घी डालने के बाद रवा बहुत ही अच्छे से भुना जाना शुरू होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है।
अभी हम इसको और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर गूंदने के लिए लेंगे। मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद बताती हूँ, तब तक मुझे इसको मुसलसल हिलाना है। मैंने चूँकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से हिला रहे हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से भूनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पूरे 6 मिनट हो गए हैं और हमारा रवा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है घी की, और ये रवा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको आटे में निकालेंगे, इस आटे में। और हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मुझे अब इसके बाद ये खोपरा भुनना है और ये ड्राई फ्रूट्स मुझे भुनना है, हल्के हल्के एकदम रोस्ट करना है ताकि हम इसको पीस लें आटे में मिलाने के लिए। और हम इसको भुनेंगे नहीं, किशमिश और चिरौंजी हमने अलग कर लिए, इसको हम भुनेंगे नहीं, इसको जब हम आटा भुनेंगे तब डायरेक्ट डाल देंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी चिरौंजी निकाल ली है, थोड़ी सी मैंने तिल ले ली है। आपके पास खसखस है तो आप खसखस ले, पिस्ता ले, बादाम ले। अब हम जब ये भून लेंगे, तो जब इसको मोटा मोटा पीस लेंगे भूनकर काजू और बादाम को, तो हम उसमें से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए वो भी इसमें रखेंगे, थोड़ा सा निकाल कर, और बाकी का हम आटे में डाल देंगे। ठीक है, तब हम ये रवा निकाल लेते हैं। रवा हमने निकाल लिया है, अब हम ये काजू बादाम जो हमारे पास है ये हम रोस्ट कर लेते हैं। आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हों आप सब डाल सकते हैं, सब कुछ नहीं है कि काजू ही डालें या बादाम, जो भी आपके पास हो आप यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक खतरा मैं इसमें थोड़ा सा एकदम पाव चम्मच भी नहीं एकदम बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, बहुत ही थोड़ा। इस तरह से हम इसको घी में रोस्ट कर लेंगे। आप हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। एक से दो मिनट बस हमको इसको भूनना है और फिर हम इसको क्रश कर लेंगे, और कढ़ाई में इसकी जगह पर हम खोपरा डाल देंगे भूनने के लिए। ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको मिक्सर में डालेंगे और यही कढ़ाई में हम लोग खोपरे को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए काजू बादाम बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, लेकिन हम इसको फौरन से पीसेंगे नहीं, अभी गर्म है, इसको हम 2 मिनट ठंडा होने देते हैं, तब तक हम खोपरा रोस्ट कर लेते हैं। इस पर खोपरा पीसते वक्त हमने इलायची डालनी है याद से। खोपरे में चूंकि पानी बहुत है इसलिए हम इसमें अभी घी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ये पानी इसका सूख जाए और ये सूखा सूखा लगने लगेगा तब हम जरा सा बिल्कुल थोड़ा पाव चम्मच से भी कम घी इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर सूखा खोपरा है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको खींच कर या मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने चूंकि डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए इसको थोड़ा सा ये आया है पानी, डीप फ्रीज़र में रखने की वजह से थोड़ा सा पानी इस पर आया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा हमारा इसके पानी की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको पीस कर इसका पाउडर बना, आप रेडीमेड अगर बाजार का जो मिलता है कोकोनट पाउडर वो भी लिए तो चलता है, कोकोनट का खीस मिलता है वो भी लेंगे तो चलता है, उसको भूनने की ज़रूरत नहीं, उसको आप डायरेक्ट आटे में मिला दीजिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये देखिए हमारा खोपरा जो गीला था वो अभी सूखा सूखा दिखने लगा है, बिल्कुल पानी इसमें का ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम नाम के लिए हम इसमें पाव चम्मच भी नहीं इतना सा थोड़ा सा घी डाल देंगे। खोपरा बहुत जल्द जल जाता है इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको रोस्ट करें। थोड़ा सा गुलाबी रंग आने लगे, थोड़ा ये होने लगे लाल लाल, तो निकाल देंगे हम इसको पीसने के लिए।
ये जो बादाम है हमारे, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, काजू और बादाम। ये देखिए थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो हम इसको पीस लेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल ऐसे बस इसको क्रश कर लेंगे। एक ही बार घुमाना, एक एक बार ही हमको घुमाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे काजू बादाम क्रश हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। इसको अगर हम डायरेक्ट आटे में डाल देंगे तो भी चलेगा, हमको बस थोड़े से सजाने के लिए निकालने हैं, वो हम इसमें निकाल लेते हैं। चिरौंजी के साथ मैंने इसे थोड़े से निकाल लिए हैं, और बाकी के हम पूरा इसमें आटे में मिला देंगे। ये देखिए हमारा खोपरा भी रोस्ट हो रहा है, अभी हल्का हल्का नीचे से छोटे टुकड़े गुलाबी होना शुरू हुए हैं, जब पूरे गुलाबी हो जाएंगे तो हम लोग इसको भी पीसने के लिए लेंगे। तब तक मैं इस मिक्सर से पूरा बादाम निकाल लेती हूँ और फिर आपसे। ये देखिए मैंने इसमें से पूरे बादाम का चूरा निकाल लिया है, अब इसमें मैंने जो इलायचियाँ थे अपने वो डाल दी हैं, 9-10 इलायचियाँ हैं, और ये हमारा खोपरा भी पूरा अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और ये खोपरे को भी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। खोपरा पीसने के बाद इसमें डाल दूंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक खोपरा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम इन चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से। तो देखिए बादाम काजू का जो चूरा हमने बनाए थे वो मैंने इसमें आटे में अच्छे से मिला लिया है। आटा और रवे को हमको अच्छे से मिलाना है बिल्कुल। कुछ लोग गुड़ को दूध में भिगा कर या शक्कर को दूध में, आटे को दूध में गूंद कर भी बनाते हैं, आप उस तरह से बना सकते हैं, उस तरह से टेस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन आप वो रख नहीं सकते। और इस तरीके से बनाएंगे तो आप 15 दिन महीना इस रोट को रख कर खा सकते हैं। ये देखिए एक छोटा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इससे बहुत ही खस्ता कुरकुरे और नरम बनेंगे। आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और मिट्टी के जो मैंने बताई हूँ, ये नमक मैंने लिया है एक चम्मच से थोड़ा कम, मैंने जो आपको बताई हूँ रोटी का तवा, हम उस पर भी बनाएंगे थोड़े से, और थोड़े से हम लोग ओवन में भी बनाएंगे। देखिए सब आटा हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसके अंदर हम लोग ये किशमिश और ये मिला लेंगे चिरौंजी। देखिए अच्छी तरह से हम लोग इसको मिला लेंगे आटे को, और ये जो गुड़ का पानी हमने बनाया हुआ है, मैंने 1/4 किलो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ लिया था और उसको गर्म पानी में हमने भिगो दिया था। अब हम गूंदने के लिए जितना लगेगा ना उतना हम गुड़ इसमें से पानी लेंगे। अगर आटा गूंदते वक्त गुड़ बच जाए तो परेशान मत होइए, आप इसको दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना लगेगा उतना ही हम गुड़ लेंगे, ज़्यादा हम उसमें गुड़ नहीं लेंगे क्योंकि आटा हमारा थोड़ा है। तो ठीक है चलिए चलते हैं खोपरे को पीस लेते हैं, फिर उसके बाद आटे में मिक्स करते हैं और फिर गुड़ से हम आटा गूंद लेते हैं। ये देखिए इलायची और खोपरे को हमने बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, वाह क्या खुशबुएं उठ रही हैं, अब रोट की खुशबू आना शुरू हुई है घर में। अब हम इसको आटे में मिला लेते हैं और ये गुड़ के पानी के साथ आटा गूंदते हैं, बहुत ही हमको पतला नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा हमको मोटा मोटा आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने तवा गर्म होने के रख दिया है, जब तक कि हमारा आटा गूंथता है तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, और ओवन को भी मैंने प्री हीट पर लगा दिया है। आप क्या करें 200 डिग्री पर ओवन को प्री हीट के लिए लगा दें, टू साइड्स पर 10 मिनट के लिए, और तब तक आटा गूंद लेंगे। और ये भी मैंने बेकिंग ट्रे भी तैयार कर रही हूँ, ग्रीसिंग करके बेकिंग ट्रे भी तैयार करके रख लेती हूँ। ठीक है तो मैं आपसे मिलती हूँ आटा गूंदने के बाद। ये देखिए खोपरा और इलायची जो हमने पीसी थी वो हम आटे में मिला लेते हैं।
खोपरा हमने इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी जो है ये डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। हमें आटे को बहुत ही सख्त गूंदना है, बहुत नरम नहीं गूंदना है। पूरा आटा गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस आटे को गूंद लिया है। इतना गुड़ का पानी बच गया है, इसे बच जाए तो परेशान मत हो, ये कोई भी रेसिपी में काम आ जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं डालें, और अगर ऐसा आपको लगे कि मीठा नहीं होगा इसलिए आपने पहले ही पूरा गुड़ डाल दिए और आटा पतला हो जाए तो भी टेंशन मत ले, क्योंकि सूजी जो है ना वो आटे को पानी को अंदर सोख लेती है। तो अगर आपके हाथ से आटा ज़्यादा पतला भी अगर हो जाए तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, घंटा डेढ़ घंटे में वो सेट हो जाएगा, या फिर फ्रिज में रख दें तो भी सेट हो जाएगा। मेरा आटा परफेक्टली बना है। अब मैं हाथ को घी लगाकर इसके रोड बनाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए हाथ पर ऐसे घी लगाकर इसको अच्छे से पहले एग्जाम कर लेंगे हम। इसको इस तरह से सेट करके हम इसको 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा ऊन गर्म हो रहा है और हमारा तवा भी गर्म हो रहा है तब तक हम इसको रख देते हैं। उसके बाद मैं हाथ को घी लगाकर इसको शेप दूंगी और आपको बताऊंगी कि हमें रोट किस तरह से बनाना है। इस तरह से हाथ को घी लगा लीजिए थोड़ा सा, और आपको जिस साइज के चाहिए उस साइज के हमको रोड बनाने थे। आपको ऊन में रखने हैं तो थोड़े छोटे छोटे बनाइए, आपको तवे पर बनाने हैं मेरी तरह तो बड़े बनाइए। मैं पहले आपको तवे का बना कर बताती हूँ। तवे के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा रोड बनाऊंगा। बहुत सालों पहले बनाई थी मैंने भी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे से सीखनी चाहिए ना। फिर ये देखिए थोड़ा सा काजू बादाम, चिरौंजी और ये तिल जो है मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। अगर आपके पास ओट का साँचा हो तो ये देखिए गुड़ के रोट माइक्रोवेव में बनाए मैंने, बहुत ही एमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लफी बन के तैयार हुए थे। अगर आपको और भी कोई रेसिपी जानना है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट बैच जो हमने ऊन में लगाई थी, और ये हमारी सेकंड बैच। ये देखिए आप बहुत ही अच्छे खस्ता और दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह सिके हुए रोट तैयार हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, कुरकुरे और अच्छे। आप भी बनाइए, घर वालों को खिलाइए और खाइए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सिके हुए हैं और बहुत ही फूल गए हैं। ये देखिए आप भी इस तरह से रोट बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए और आप भी खाइए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी अगली जो रेसिपी है वो है श्रीखंड, तो वो देखना ना भूलिए।